हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राम संगठन के EC1 बैठक को रजिस्टर में कैसे लिखते हैं उसे दो वीडियो के माध्यम से सीखें। यदि कोई दीदी पिछले दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग ग्राम संगठन का EC2 बैठक को रजिस्टर में कैसे लिखते हैं उसे जानेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राम संगठन का EC1 बैठक के 13 से 15 दिनों के बाद ग्राम संगठन का EC2 बैठक होता है। EC1 बैठक के जैसा ही EC2 बैठक लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे EC2 बैठक लिखने के लिए नए पेज को खोलेंगे और नए पेज के ऊपर में EC1 बैठक के जैसा ही EC2 बैठक लिखना प्रारंभ करते हैं। जैसे EC2 बैठक लिखने के लिए नए पेजों को खोलेंगे और नए पेज के ऊपर में EC2 बैठक संख्या लिखेंगे। इसके बाद दाएं तरफ दिनांक, दिन और समय लिखेंगे। उसके बाद उसके बाएं तरफ एक में ग्राम संगठन का नाम, दो में गांव का नाम, तीन में बैठक स्थल का नाम, चार में ग्राम संगठन अध्यक्ष का नाम, पाँच में ग्राम संगठन में कुल समूहों की संख्या, छः में उपस्थित समूहों की संख्या, सात में अनुपस्थित समूहों की संख्या, आठ में ग्राम संगठन में कुल इसी सदस्यों की संख्या, नौ में उपस्थित हुए इसी सदस्यों की संख्या और दस में अनुपस्थित इसी सदस्यों की संख्या को लिखेंगे। उसके बाद स्टार लगाकर प्रार्थना को लिखेंगे। उसके बाद स्टार लगाकर शपथ लिखेंगे और फिर से स्टार लगाकर परिचय लिखेंगे। इसके बाद पन्ने के बीच में एजेंडा लिखेंगे, तो चलिए EC2 का एजेंडा लिखते हैं। एक में उपस्थिति, दो में पिछली बैठक की समीक्षा, तीन में बचत किस्त और ब्याज वसूल, चार में नए सखी मंडल का सदस्यता, पाँच में नए ऋण मंजूरी LMCP के माध्यम से, छः में BOA के कामकाज का समीक्षा और मानदेय, सात में सक्रिय महिला का कामकाज का समीक्षा और मानदेय, आठ में ऐन भुगतान पर चर्चा, नौ में प्राप्त और भुगतान, दस में IY का विवरण, ग्यारह में CLF से आए हुए ऋण पर चर्चा, बारह में CLF को भुगतान किया गया ऋण पर चर्चा, तेरह में सखी मंडल पर कामकाज का समीक्षा और ग्रेडिंग, चौदह में बैंक लेनदेन पर चर्चा, पंद्रह में बैंक ऋण DCB पर चर्चा, सोलह में VO ऋण DCB पर चर्चा, सत्रह में उप समितियों के कामकाज पर समीक्षा, अठारह में CLF का समाचार, उन्नीस में स्वास्थ्य और पोषण पर चर्चा, बीस में लैंगिक समानांतर पर चर्चा, इक्कीस में आजीविका बढ़ावा पर चर्चा, बाईस में सामाजिक समस्या पर चर्चा, तेईस में गाँव की समस्या पर चर्चा, 24 में सरकारी योजना पर चर्चा और 25 में अन्य विषय। कुल 25 एजेंडा को हमने आप लोगों के सामने रखे हैं, पर सभी एजेंडा को प्रत्येक EC2 बैठक में नहीं लिखना है। जिसका जरूरत पड़ेगा उसी बिंदु को लिखेंगे और बता दें कि एक बैठक में कम से कम 15 एजेंडा पर चर्चा जरूर करना चाहिए। तो चलिए पहला एजेंडा के बारे में चर्चा करते हैं। उपस्थित लिखकर डैश लगाएंगे और लिखने से पहले इसी सदस्य और समूह का उपस्थिति लेंगे। इसके बाद लिखेंगे, माना कि आज के EC2 बैठक में कुल 7 समूह में से 6 समूह उपस्थित हैं तथा गुलाब आजीविका सखी मंडल अनुपस्थित है। दो में इस बैठक में कुल 14 इसी सदस्य में से 12 इसी सदस्य उपस्थित हैं और 2 इसी सदस्य अनुपस्थित हैं। इसके बाद नीचे में प्रस्ताव लिखेंगे, इस बैठक में उपस्थित सभी इसी सदस्यों एवं पालक वर्गों ने निर्णय लिया है कि गुलाब आजीविका सखी मंडल के दोनों पदाधिकारियों से 25-25 रुपया करके दंड लगाया गया है। इसके बाद पिछले बैठक की समीक्षा। पिछली बैठक की कार्यवाही को BOA ने पढ़कर सुनाया कि पिछली बैठक में अध्यक्ष मेघनी देवी को CLF में भुगतान करने के लिए राशि दिया गया था, जिसमें बचत 100 रुपया, किस्त 2000 रुपया, ब्याज 540 रुपया था। कुल 2640 रुपया ऋण जमा किए या नहीं रसीद और VO पास पुस्तक द्वारा जांच किया गया। पिछले बैठक में चमेली आजीविका सखी मंडल को LMCP के माध्यम से 50,000 रुपया नया ऋण मंजूरी किया गया था। पिछले बैठक में VO की कोषाध्यक्ष रीना देवी को बैंक में नगद 500 रुपया जमा करने के लिए जिम्मेदारी दिया गया था, जिसका वो रसीद लेकर आई है। पिछले बैठक में अनुपस्थित विकास आजीविका सखी मंडल की पदाधिकारियों से 50 रुपया दंड वसूल किया गया, इसकी रसीद संख्या 7405 है। वीडियो अधिक बड़ा ना हो इसके लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। एजेंडा के बाकी बिंदुओं को अगले वीडियो पर हम लोग विस्तार से जानेंगे। ऐसे ही रोचक वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में आई घंटी को भी दबा दें। तब तक के लिए मैं आप लोगों से अगले वीडियो पर मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।